हाय फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग कुछ दिन पहले कमेंट कर रहे थे, कुछ दिन पहले पूछ रहे थे कि साजन भाई बागेश्वर धाम में पेशी कब होगी, यानी पेशी कब मान्य होगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि बागेश्वर धाम में हर मंगलवार को पेशी मान्य होती है। जब बागेश्वर धाम के महाराज जी स्वामी धीरेन्द्र की शास्त्री जी बागेश्वर धाम पे उपस्थित रहते हैं, तो दोस्तों इस आगामी 6 जून को, आज है दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 जून है, आज है 4 जून 2023, 6 जून 2023 को मंगलवार है। मंगलवार के दिन पेशी मान्य होगी, आप लोग की पर्चा पर पेशी चढ़ जाएगी। दोस्तों आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल जाकर अपना पेशी मान्य करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सवाल आता था, कुछ दिन पहले बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो भाई बताना जरूरी है ना। तो 6 जून को पेशी है बागेश्वर धाम में, जो भी लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं। 4, 5, 6, 3 दिन बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी यानी स्वामी धीरेन्द्र की शास्त्री जी, पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री जी बागेश्वर धाम पे उपस्थित रहेंगे। जो लोग का पेशी है, जो लोग पेशी मान्य करवाना चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप में से ही बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि साजन भाई हम लोग भूत बाधा से परेशान हैं, प्रेत बाधा से परेशान हैं, शैतानी हरकत से परेशान हैं, हम लोग के घर में इस प्रकार का प्रॉब्लम है, इस समस्या है। तमाम तरह से आप लोग भूत बाधा, प्रेत बाधा, शैतानी हरकत के बारे में पूछते रहते हैं। तो दोस्तों 6 जून को मंगलवार है, उसी दिन पेशी होगा बागेश्वर धाम में, और उसी दिन प्रेत दरबार भी लगेगा। यानी कि दोस्तों जो लोग भूत बाधा, प्रेत बाधा, शैतानी हरकत से परेशान है, वो लोग जा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से तो लोग कहते हैं कि ये सब नहीं होता है, भूत बाधा नहीं होता है, ये सब भूत प्रेत वगैरह। लेकिन दोस्तों जब समस्याओं से आदमी परेशान होता है, जिसके ऊपर पड़ता है, तो भाई वो घबरा जाता है और सोचता है हमारा किसी भी तरह से भलाई हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो जिनको भी जाना है वो लोग जा सकते हैं, 6 जून को प्रेत दरबार भी लगेगा। जो लोग भूत बाधा, प्रेत बाधा, शैतानी हरकत से परेशान है, वो लोग भी बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आए दिनों आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल आते रहता है, तो भाई जानकारी देना तो जरूरी है, क्योंकि हर किसी का समस्या अलग अलग है, हर किसी का प्रॉब्लम अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी कोना से बागेश्वर धाम से कर आना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पे भी ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप किस राज्य से हैं, किस शहर से हैं, अपने शहर से सर्च कीजिएगा बागेश्वर धाम जाने का रास्ता, बागेश्वर धाम से कर कैसे जाएं, तो आपको बिल्कुल जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको वाराणसी यानी बनारस से बागेश्वर धाम से कर जाना है, तो सिंपली सर्च कीजिए वाराणसी से बागेश्वर धाम से कर कैसे जाएं। आपको दिल्ली से बागेश्वर धाम से कर जाना है, तो सिंपली सर्च कीजिए दिल्ली से बागेश्वर धाम से कर कैसे जाएं। आपको कोलकाता से बागेश्वर धाम से कर जाना है, तो सर्च कीजिए कोलकाता से बागेश्वर धाम से कर कैसे जाएं। आपको कहीं से भी, लखनऊ वगैरह किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से आपको बागेश्वर धाम सरकार जाने में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका पूरा मदद किया जाएगा, आपको पूरी हेल्प की जाएगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, कई सारे राज्यों के, कई सारे शहरों से, कई सारे जिलों से मैंने बता रखा है कि बागेश्वर धाम सरकार कैसे जाएँ, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और भी कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आपका भाई पढ़ेगा, रिप्लाई करेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय।